बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ की खास खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। मंदी बहाउद्दीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्क में ज़रात की बदहाली और खादों के बहरान पर ज़िली सदर साबिक एमपी आसिफ बशीर भागड़ की क़यादत में ट्रैक्टर मार्च रैली मार्च फालिया से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा में तब्दील हो गया। मिर्जा कैसर फारूक की तफसीलात के मुताबिक फालिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की अपील पर मंडी बहाउद्दीन फालिया में ट्रैक्टर मार्च किया गया। ट्रैक्टर मार्च का आगाज फालिया से शुरू हुआ और डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स ऑफिस के बाहर ये ट्रैक्टर मार्च एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो गया। ट्रैक्टर मार्च की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िली सदर आसिफ बशीर भागट, साबिक एम पी ए सूबाई नायब सदर पंजाब चौधरी अख्तर ने की। इस मौके पर मुल्क में ज़रात की बदहाली, किसानों की मुश्किलात, खादों के बहरान पर शदीद एहतजाज किया गया। जियालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरानों पर भंगड़े भी डाले। कायदीन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही है। ज़रात में खुद कफील मुल्क इस वक्त तबाही के किनारे पर पहुँच चुका है। मौजूदा हुकूमत से निजात के बगैर मुल्क की बका खुशहाली मुमकिन नहीं। इस मौके पर हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए और पुरअमन ट्रैक्टर मार्च इख्तिताम पज़ीर हुआ। मिर्जा कैसर फारूक, 94 न्यूज़, फालिया।